वेलकम एवरीवन, क्रिएटिव राइटिंग का क्विज नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं हम, तो वो आपने गौर से देख लेंगे। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो क्विज जो है वो पर्सन टू पर्सन और सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन यूज इटैलिक्स, डैश और अंडरलाइनिंग फॉर एम्फसिस। बोल्ड लेटर्स, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर एंड लास्ट वे है एक, वो मुझे पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मतलब ये कहने का था कि मुझे वो पता नहीं ना क्योंकि नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैं आपको एट द फर्स्ट बता देती हूँ कि बोल्ड लेटर जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, ए वाला जो है, हाँ ठीक है, इसको मार करेंगे। अगर रिक्वायर हो तो आप क्या यूज़ करते हैं, इटैलिक्स भी करते हैं और बोल्ड लेटर भी और अंडरलाइनिंग भी करते हैं फॉर एम्फसिस, ठीक है। तो बोल्ड लेटर ए वाला जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। और सेकंड वाला है हमारे पास स्टेटमेंट, हाँ जी, स्पेशल लेटर था जी एक, ठीक है। सेकंड है, जनरल नॉलेज बुक्स आर विच टाइप ऑफ नॉन फिक्शन, इंफॉर्मेशनल नॉन फिक्शन, एक्सपोजिटरी नॉन फिक्शन, जर्नलिस्टिक नॉन फिक्शन और लास्ट पे है शायद एक्सप्लेनेटरी नॉन फिक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है जी इंफॉर्मेशनल नॉन फिक्शन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज सम पार्ट्स आर हाईलाइटेड एंड सम आर नॉट ड्यू टू टाइम लिमिटेशन, सो यू हैव टू फोकस होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और थर्ड है, विच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट लाइंस इज लीस्ट इफेक्टिव फॉर अ बिजनेस ईमेल, इवेंट टुमारो, रजिस्टर टुडे, कांट वेट फॉर टुमारो, हैव यू रजिस्टर्ड, और रिमाइंडर मिंगल फॉर अ मिशन, एंड लास्ट पे है एक और वो है जी अप टू 75% ऑफ द होल वर्कशॉप। तो ये इसका राइट ऑप्शन, गेट 75% ऑफ द होल वर्कशॉप, जस्ट किडिंग, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर इंफॉर्मेशन नॉन फिक्शन, फैक्ट्स है, एनालिसिस है, डिटेल्स हैं एंड एक्सप्लेनेशन है। तो इंफॉर्मेशन नॉन फिक्शन जब आप होती है तो वहाँ पे आपका फैक्ट्स जो है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यानी कि एलिमेंट होता है, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी हो गया। उसके बाद इसको करेंगे ए वाले को मार्क और चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी ये, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑफ अनदर, ट्विटर यूजर्स, अपडेट फॉलोअर, यूज़र कनेक्शन, एंड लास्ट पे है एक तो इसका राइट ऑप्शन है, ये आप सबको पता होगा अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं, तो फॉलोअर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। जो टर्म यूज़ की जाती है, फ्रेंड था एक, फॉलोअर इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद प्रपोजल इज़ एन ब्रैकेट में आगे डैश, इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, फिक्शनल डॉक्यूमेंट है एंड नॉन फिक्शनल डॉक्यूमेंट था, ये आपको पता है कि ये है जी फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रपोजल इज आ एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट। और नेक्स्ट मूव करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, और बाकी एक्सरसाइजेज और क्विजेज आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आप काइंडली चेकआउट कर लें। सेवंथ है, विच न्यू एलिमेंट कैन यू ऐड टू योर इंस्टाग्राम बायो एज ऑफ अप्रैल 2018, कैप्शन, लिंक्स, हैशटैग्स एंड लास्ट पे है इमोजी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा लिंक, अगर लिंक आपने दिया होगा तो यहाँ पे क्लिकेबल लिंक्स होते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारा बायो आ जाएगी, ठीक है। हैशटैग आप नहीं यूज़ कर सकते, लिंक जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। बी वाला जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन कैन डिसाइड द फेट ऑफ योर ईमेल, वेदर इट मे बी रीड और नॉट, सब्जेक्ट लाइन, ग्रीटिंग, स्टाइल्स, कंटेंट ऑफ ईमेल और ईमेल एड्रेस। तो इसका राइट ऑप्शन है जी सब्जेक्ट लाइन जो है वो डिसाइड करती है कि आपका जो ईमेल है वो पढ़ने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बचा देती है अगर किसी ने फजूल ईमेल लिखी हो, और समटाइम्स नहीं भी लिखी होती, लेकिन इट डिपेंड्स। उसके बाद नाइन्थ है, फॉर डैश इट्स बेटर टू पोस्ट लिंक टू आर्टिकल्स रेदर देन पोस्टिंग एमएस वर्ड और पीडीएफ फाइल्स। ऑप्शंस हैं वेब डेवलपमेंट पोर्टफोलियोज, राइटिंग पोर्टफोलियोज, एसईओ पोर्टफोलियोज एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ आई डोंट नो, क्योंकि नज़र नहीं आ रही। तो इसका राइट ऑप्शन है, अभी नज़र आ जाती है उसको वो भी आपको, लेकिन इसका राइट ऑप्शन मैं आपको पहले बता रही हूँ जी, वेब डेवलपमेंट पोर्टफोलियोज इज़ द राइट ऑप्शन। फॉर वेब डेवलपमेंट पोर्टफोलियोज इट बेटर टू पोस्ट लिंक टू आर्टिकल रेदर दैन पोस्टिंग एमएस वर्ड और पीडीएफ फाइल्स। तो ये आपको क्लियर हो गया, ए वाला इसका राइट ऑप्शन हो गया। और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट अपने स्टेटमेंट के ऊपर जो है कि है लास्ट वाली स्टेटमेंट, तो वो आपने देख लेनी है।
Which of the following given options is necessary for a resume? Hobbies and interests, languages, education and professional membership. तो ये आपको पता है कि आप जब अपनी जिसको हम CV भी कहते हैं, ठीक है, वो आप जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपकी एजुकेशन जो है वो मस्ट होती है, ठीक है. तो ये ऑप्शन जो है वो आपका नेसेसरी होता है, तो एजुकेशन इज़ द राइट ऑप्शन. सी वाला जो है वो हमारा इसको मार्क करेंगे और क्विज हम क्लोज करेंगे. मार्क्स इसके जो थे 10 और टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकती, वरना वीडियो जो थी लंबी. और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. आई लव यू.